हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का 30 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या दिया है, एक नोटबुक का कॉस्ट दिया हुआ है और पेन का कॉस्ट दिया है। हमें ये बताना है दोनों में से किसका कॉस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें बुक में ही दिया है, 25 होल 1/7 दिया हुआ है। इसे हम काय में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 25 7 जा 175 एंड 176/7। अब हम इसको 176 में 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या फाइंड होगा, 25.14। ओके, कॉस्ट ऑफ हमें कितना दिया है, 12 होल 1/5। अब ये क्या हो गया, 12 5 जा 60 एंड 161/5। इस नंबर को भी हमने काय में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। अब हमें क्या बताना है, किसका कॉस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ कि जो नोटबुक है उसका कॉस्ट ज़्यादा है ना, तो अब कितना ज़्यादा है, दोनों का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 4 में से 0 माइनस हुआ तो क्या हो गया, ये 4। 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम 1 कह लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11। 11 में से 2 माइनस हुआ तो 9। यहाँ क्या बचा आपके पास, 4। 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 एंड 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, तो 12.94। तो आपको आंसर क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मोर 12.94 रुपीज़। इतने रुपीज़ उसका कॉस्ट जो है ज़्यादा है पेन से। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे वेट ऑफ बैग, आपको वीट जो है, वीट पे बैग बने हुए हैं, उसमें 1 जो बैग है उसका वेट कितना दिया हुआ है, 2 होल 1/4। और जो शॉपकीपर है उसने 9 बैग क्या कर चुके हैं, सोल्ड कर चुके हैं, बाकी बचे हुआ एक, और वो किससे ले रहा है, एक सैक से, जिसमें कितना है, 31 होल 5/6 kg इतना उसमें वीट है। उसमें से उसने बैग बनाए, कितने बैग बनाए, 9 बैग, और हर एक का वेट कितना है, 2 होल 1/4। तो हमें बताना है कि जो उसका बड़ा बैग है सैक, उसमें कितने केजी वीट अभी बचा हुआ है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 बैग का जो वेट दिया था 2 होल 1/4 kg है ना, ये आपको यहाँ पर केजी लिखना होगा। ओके, वेट ऑफ 9 बैग कितना हो जाएगा, इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किए, सॉरी मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, तो 4 2 जाए 8 एंड 1 9/4। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 जाए 81/4 हो जाएगा, है ना। इतने केजी आपका क्या है, 9 बैग का वेट है। अब जो आपका बड़ा बैग है, मतलब सैक, वेट ऑफ सैक कितना है आपका, 31 होल 1/31 होल 5/6 kg। इसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, तो इसमें मल्टीप्लाई किए, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। इस नंबर को क्या करते हैं हम, प्लस, कितना हो जाएगा ये, 191/6 kg। अब हमें दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, हमें ये पता करना है कि कितना वेट जो बैग है उसमें बचा हुआ है, सैक में बचा हुआ है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 100 जो आपका जो बड़ा वाला बैग है, मतलब सैक है, उसका वेट, और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, जो आपके 9 बैग्स आपने बनाए हो उनके वेट को। अब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ गया आपका, 12 आ गया, है ना, एलसीएम 12 आ गया। अब इसका एलसीएम 6 है, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का। इसका एलसीएम 4 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 का। 2 1 जा 2 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 3 8 जा 24/12। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 139/12। अब इसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कैसे, 139 में हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्वेश्चन क्या होगा, 11।
रिमाइंडर कितना होगा? 7। तो इसको कैसे लिखेंगे? 11 होल 7 बाय 12 केजी। इतना जो वीट है वो किसमें बचा हुआ है? सैक में। तो आपको लिखना होगा आंसर लास्ट में, 11 होल 7 बाय 12 केजी वीट इज लेफ्ट इन सैक। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें फ्रूट्स दिए हुए हैं। एक लेडी है, आई थिंक क्या नाम है उसका, दीपा, ठीक है। उसने पहले क्या लिया? 4 होल 1/4 केजी मैंगो लिए हैं, मैंगोस लिए हैं, एंड 7 होल 1/4 केजी क्या लिए हैं? एप्पल्स लिए हैं। तो इन दोनों को आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। फिर रास्ते में वो घर जाते हुए कितने केजी फ्रूट्स किसी को दे देती है? 1 होल 1/3 केजी उसने किसी को दे दिया। तो उसके पास कितने फ्रूट्स बचे हुए हैं ये आपको खुद करना है। ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क। टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2।